से जाना है, रॉन्ग वे हो जाएगा ना, रॉन्ग वे हो जाएगा, रॉन्ग वे चलान नहीं ना आएगा। ठीक है, रॉन्ग वे में जाएंगे, चलान नहीं होना चाहिए बस। तो भाई रॉन्ग वे में जाओ और चलान नहीं होगा पटना में, तो नया रूल सुन लो। बात गाइस वीडियो मिलेगी गाइस, कोई दिक्कत नहीं। को पुलिस वाले पकड़ लिए, घेर लिए पुलिस वाले सारे साइड से। बाप रे बाप, भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे। सारे साइड से पुलिस वाला उसको घेर लिया। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लैक एंड बाइकर। तो भाई आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अगर पटना में नहीं रहते हो और पटना से बाहर आ रहे हो, तो तुम्हें पटना में सबसे फेमस जगह वो है हमारा मरीन ड्राइव, जिसको गंगापथ के नाम से भी जाना जाता है। सो तुम्हें अगर गंगापथ जाना है रियल में, जिसको बोलते हैं मरीन ड्राइव, तो तुम किधर से आओगे, कैसे आओगे, एग्जैक्टली तुम्हें रियल में बता रहा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आओगे पटना जंक्शन, ठीक है। जंक्शन से आप जंक्शन से जस्ट ना जंक्शन से किसी से पूछोगे आर ब्लॉक किधर है, वहाँ पर ऑटो वाले को 10 रुपये दे देना। कहने को तो 5 ही लेते हैं, बट वो लोग 10 लेते हैं, बिकॉज उनका मन का वो लोग मालिक है। तो वहाँ से 10 रुपये लेना और एग्जैक्टली आप लोग सामने साइड आना, ठीक है। आर ब्लॉक बोल रहा हूँ क्योंकि आर ब्लॉक भैया उतार दो हमें। तो ये आर ब्लॉक है, वो देखो सामने चनाके होटल है वो वाला, और इधर लेफ्ट साइड में इधर पेट्रोल पंप है, और ये आर ब्लॉक इसको कहते हैं ये वाले फुल लोकेशन को, ठीक है। तो आप लोग जस्ट यहाँ से हल्का सामने आना और यहाँ से वापस से हल्का सा लेफ्ट लेना, लेफ्ट ले लोगे देन तुम्हें एक सामने रूट मिल जाएगी, वो राइट कह सकते हो उसको, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो लगा रहता है, यहाँ से वो मरीन का ऑटो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी वो 20 ले 25 ले वो बात अलग है, ठीक है। ये ज़्यादा भी ले सकते हैं, कौन इनका मन का ये लोग मालिक रहते हैं, ठीक है। सो 20-25 ले या 50 भी ले सकते हैं, वो दोपहर को आई थिंक 20 या 25 लेते हैं लोग मरीन पहुँचाने का और आने का, भाई ये इनका मन, 150, 200, 300, 400 इन पे इनका मन के ये मालिक है, तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से एकदम वो सीधा मरीन जा सकते हो आप, ठीक है। और मरीन में दिखाता उसके बाद तुम्हें, और मरीन जब भी जाओगे ना भाई, मेक श्योर तुम दिमाग में रखना, बाइक से भी आओगे ना ये वाला रूट पकड़ना, बाइक एटलीस्ट तुम 80 इधर लिखा हुआ है ना, नॉर्मल स्पीड पे चलाना, 36, 40, 45, 70 हार्डली जाना, बट 70 के नीचे ही रहना, मेरा जो भी ये सजेशन है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर इंटरसेप्टर लगा रहता है जो भाई फाइन करेगा आपका, वो एक कार रहता है, कार के अंदर कैमरा रहता है, अगर आप 70+ जाओगे तो आप 80+ जाओगे ना तो वो फाइन हो जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा 70+ भी मत जाओ आप लोग, ठीक है। तो ईजी से आप मरीन पहुँच जाओगे। मरीन पे भाई लाइसेंस अपने बाइक का फुल डॉक्यूमेंट रखना, बिकॉज मरीन पे भाई बहुत चेकिंग होता है, मरीन पे बिल्कुल रिस्क मत लेना, ठीक है। तो भाई तुम लोग इधर से सीधे आओगे ना, तो तुम इधर सामने वो दिखेगा सब कुछ। सो आप लोग इस वाले रूट में जाओगे ना, देन वो मरीन ड्राइव का रूट हो गया, ठीक है। एकदम सीधा जाना, मीन्स कि हमारा पटना का वो सिटी का स्पीड ही 80 है, ठीक है। तो आप लोग 70 पे चलो, मेरा सजेशन यही है, अदरवाइज आपको 90-120 अगर ओवरटेक करना है किसी को, आप जानो, फिर वो आपकी बाइक है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ जानो, आप कुछ करो, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, इंटरसेप्टर हमेशा लगा रहता है, छठ का दिन है, छठ पूजा था, तो यहाँ पर इंटरसेप्टर एनी टाइम लगा रहता है। 60 से ऊपर 70 से ऊपर जाओगे तो तुम्हारा फाइन हो जाएगा, मीन्स कि 80 लिमिट है। जब बंदा 70 चला जाता है ना, उसको ऐसा फील होता है ना भाई 70-80 मार देता, अभी 80 करते हो ना तो भाई फाइन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिटी का हमारा स्पीड 80 है, इस रोड का स्पीड लिमिट 80 है, 80 के ऊपर आप लोग मत जाओ। और प्यारा सा भाई वीडियोज़ बनाओ, मोटो ब्लॉक करते हो भाई, प्यार से मोटो ब्लॉक करके घर को जाओ, आराम से जाओ। सो यहाँ से हम लोग सामने जाएंगे, एकदम इक्वल में वो मरीन ड्राइव हमारा पड़ेगा, तो हम लोग मरीन इधर से निकल रहे हैं और मरीन जाकर आपको दिखाते हैं वहाँ का हालात। आपके आ जाने से आपके आ जाने से देखो भाई, दो फीमेल है बट हेलमेट दोनों ने लगा रखा है भाई, कितना सी फीमेल इतना समझ रखी है बिहार में भाई, लड़कियां इतनी आगे हो रखी हैं, क्योंकि ये लड़के समझते नहीं भाई, ना समझ। सो ऐसा नहीं हमारे लड़के नहीं समझते भाई, बंदे भी समझते हैं, बट कुछ लोग के वजह से भाई सबको नहीं बोल सकता। तो भाई एटलीस्ट जो विदाउट हेलमेट आते हैं मरीन, सो प्लीज हेलमेट लेके आ, प्लीज वेयर हेलमेट, अदरवाइज फाइन हो रखेगा आपका, बिकॉज यहाँ पे बहुत रूल रेगुलेशन रहता है। आपके आ जाने से आपके आ जा, सो तुम जैसे कि देख सकते हो भाई, ये हमारा मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव पे भाई सब कुछ हट चुका है। पहले यहाँ पे शॉप हुआ करता था भाई, बहुत लोग खाते पीते लोग थे, इधर ही आते थे वो खाना पीने के लिए, मीन्स कि आपको बहुत सारा फूड स्टॉल मिलता था, बट अब वो फूड स्टॉल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज भाई लोग इधर पार्क कर देते हैं रोड पे भाई, कहीं पे भी पार्क करते थे भाई, बहुत रूल आई थिंक रोड कैप्चर बहुत पार्किंग लॉट ये वाला रूट बन जाता था, एक वन लेन बन जाता था बाइक चलाने का या फिर कार का, तो बहुत ट्रैफिक लगता था। इसके वजह से भाई गवर्नमेंट ने इनको हटवा दिया, और ऐसा नहीं कि हटा दिया भाई, ये लोग को भी आगे मौका मिला, इन लोग भी आगे अपना बना रहे स्टॉल, आगे ये लोग बेचते हैं, कुछ लोग इधर है अभी, बाकी सब लोग आगे बेचते हैं, ठीक है भाई। पटना पुलिस स्पेशली भाई रिस्पेक्ट है भाई, दिल से भाई बहुत सही है पटना पुलिस। अब मेक श्योर तुम लाइसेंस लेके इस रूट में, तो बिल्कुल लाइसेंस लेके आना,
अभी चेक इन आई थिंक नहीं होगा, अभी ये बंदा इधर से अपना घर निकल जाएगा और अपना एक और फ्रेंड आएगा RC 200 वाला, तो भाई उसके साथ अभी आगे मैं कंटिन्यू करूंगा कॉल, उसको यहाँ से बहुत लेट हो गया तो ये बंदा इधर से निकल जाएगा। ठीक है उस आई उधर हो क्या रहा है लेकिन, अरे भाई इतना दूर से ट्रैवल करके अब यहाँ से लौट जाओ फिर उस साइड से जाना है, रॉन्ग वे हो जाएगा ना, रॉन्ग वे हो जाएगा, रॉन्ग वे चलान नहीं आएगा। ठीक है रॉन्ग वे में जाएंगे, चलान नहीं होना चाहिए बस। तो भाई रॉन्ग वे में जाओ और चलान नहीं होगा पटना में, भाई रॉन्ग वे में जाओ आराम से जाओ, आराम से जाओ मीन्स की चलो कोई बात नहीं, अगर कोई आएगा तो भाई तुम्हें रॉन्ग वे में जाना पड़ेगा। पुलिस वाले के पास जा रहा है पकड़ के, अगर लाइसेंस मांग लिया ना तो पता चल जाएगा अच्छा से, लाइसेंस मांग तो दे बस। उस साइड जाना वहाँ पे, हाँ तो उधर ही जा रहे, उधर बता रहे थे, नहीं तो रिटर्न ले लेते हैं, तो इधर से चल जाते। ठीक है रिटर्न, भाई उसको पुलिस वाले पकड़ लिए और बोला था रे मैंने पकड़ लेंगे उसको, तो उसको पकड़ लिया, अभी लाइसेंस चेक होगा ब्ला ब्ला जो भी होगा, भाई उसको घेर लिए पुलिस वाले सारे साइड से। बाप रे बाप, भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे। कसम से देखो भाई बोला था ना पकड़ लेंगे, पकड़ लिए उसको, अरे भाई उसको पकड़ के सारे साइड से पुलिस वाला उसको घेर लिया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उधर ही वो है भाई साहब, अब इसका YouTube का नाम चेक करेगा वो, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं भाई, कर रहा है भाई निकल जाओ, भलाई इसमें ही है, बाइक साइड लगाओ और पुलिस से दूर हो जाओ, एक ही रास्ता है ऊपर जाके, अभी हम लोग देखते हैं ऊपर से वीडियो मिलेगा गाइस, देखो तो रहन दो फिर, बाइक इधर से बाइक लगाना है और उस साइड जाना है, रोड क्रॉस करना है जल्दी से और उसके बाद गाइस वीडियो मिलेगी गाइस। कोई नहीं है गाइस, रोड क्रॉस करने के बाद नीचे मेरा फ्रेंड खड़ा बेचारा, उसको गाइस पकड़ लिया और वो देखो उसको बेचारे तो भाई अपने फ्रेंड को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और क्यों पकड़ा वो भी देखो, मैं ना वहाँ रुकता भाई, मैंने नहीं रुका कॉज उस बंदे का, भाई वैसे भी बंदा रैश चलाता था और उसका इंस्टा पे यूट्यूब पे जाके देखो वही रैश चलाता था, बट अब मैं कहता वो नहीं चला था, वो पहले चलाया था। ठीक है जैसे कि 1 वीक हुआ तो बंदा खुद को शांत कर बोला कि नहीं भाई मैं चलाऊंगा, मैंने उसको बहुत बड़ी समझाया वो नहीं समझा, एटलीस्ट मैंने उसको लाइसेंस के लिए बोला भाई बनवा ले, मैंने 3 महीना निकाल दिया उस बंदे को लाइसेंस बनवाने के लिए बट वो नहीं बनवाया, तो पुलिस वाले ने भाई पुलिस वाले ने कहीं पे नहीं करा फाइन, कुछ भी नहीं करा वो पुलिस वाले अंकल, हमें वो लेफ्ट साइड में बोले ना कि तुम रॉन्ग वे में जाओ,
तो वो रॉन्ग वे में इसलिए बोले ना हमें, बिकॉज वो रॉन्ग वे भी नहीं था, वो हमारा टनलों के नीचे से वो राइट वे हो जाता है। पुलिस वाले अंकल हम उस रूट में इसलिए भेज देते हैं बिकॉज इधर SBI बैंक का वो मैराथन रेस चल रहा था, तो पुलिस वाले अंकल ने सबका सेफ्टी देखते हुए हमें वो वाले रूट में भेजा, बोले कि वहां से चले जाओ। और सीन ऐसा था कि वो जहां पे हमें नीचे पुलिस वालों ने पकड़ा वहां पे गलती हमारा था, बट मेरा नहीं था भाई, मेरे पास लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ, मीन्स कि मेरे पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है, इलीगल कुछ नहीं है मेरे पास। अभी बंदे के पास लाइसेंस नहीं था, उसका रैश ड्राइविंग था, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और फिर उसको थाने ले गए, बाइक उसका उधर पकड़ में गया और फिर पुलिस वाले ने उसको समझाया, बट पुलिस वाले ने फाइन कहीं नहीं करा, एक प्रॉपर एक जेन्युइन सा वीडियो बनवाया कि आपके 17,000 फॉलोवर्स है तो आप इन्फ्लुएंस करते हो लोग को, सो आप एकदम नॉर्मल एक मैसेज दो पब्लिक को, बाइक वैसे ना चलाए, पब्लिक रोड सेफ्टी का ध्यान रखे। और बंदे ने वो काम करा और वो भी अभी भी करा, बट अब वो बंदा सच्ची बता रहा वो वीडियो ऐसा नहीं बनाता है, वो भी कहीं ना कहीं अब समझ चुका है कि भाई रैश ड्राइविंग सेफ नहीं, अगर हम रैश चलाएंगे तो आपके किसी को चोट लगेगी, आप चलाओगे तो हमारे किसी को चोट लगेगी, बिकॉज एक एक करके बंदा अगर बंद करेगा ना रैश तो सब शांत हो जाएगा इनडायरेक्टली। आप जैसे मेरा नंबर प्लेट वो टेल टेडी था, फोल्डिंग वाला था, मरीन पे सबसे पहले मैं बंदा था ना जो टेल टेडी में पकड़ा गया, जो मेरा 1 करोड़ वीडियो गया, ठीक है, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो से। नहीं पीना तो भाई बहुत बंदे अभी चेंज कर चुके हैं, जिसको अब जो नॉर्मल मोटो ब्लॉगर है वो कर लिए, अब जो भाई रैश चलाते हैं उनको मैं बोल ही ना सकता, मेरा हक नहीं है भाई उनको बोलने का। और पुलिस वाले को कॉपरेट हम लोग आज भी कर रहे हैं, कॉज हम लोग यहाँ के वी आर मोटो ब्लॉगर से पटना के भाई, तो भाई पटना को हमें बहुत आगे लेकर जाना है ऐसे मोटो ब्लॉग करते करते, बिल्कुल हमें रैश नहीं चलाना। मेक श्योर आप लोग ध्यान रखना भाई, बहुत सबकी फैमिली रहती है भाई, बहुत लोग ये कहते हैं ना कि भाई बाइक ले लेते हैं बंदे और उड़ना स्टार्ट करते हैं, मरीन पे भाई बाइकर्स बदनाम है, और हम लोग मोटो ब्लॉगर एक नॉर्मल से हम लोग वीडियो एक्सप्लोरिंग बनाते हैं और दैट्स इट, उसके बाद हमारा कोई नहीं होता। तो पुलिस वाले ने भाई कोई फाइन नहीं करा, और SP सर ने भी, पूरन झा सर ने भी ना भाई बहुत अच्छे से बंदे को समझाया, तो पूरन झा सर ने भाई पटना के वो SP पब्लिक सेफ्टी देखते हुए चलाओ आप लोग, और आप लोग यूथ हो ना, आप लोग इस जनरेशन को, तो आप लोग बदलोगे तो हमारा सोसाइटी बदलेगा, देश बदलेगा, जो भी कह सकते हो। सो भाई आज भी अभी भी कह रहा भाई बहुत आराम से चलाओ, मैं भी ब्लॉक करता तू मेरे बाइक का स्पीड देख सकते हो भाई, नॉर्मल रहता है, ठीक है, मेरे से भी अगर कुछ लोग जाते हैं ना भाई, मेरे से 2 बंदे भी सुधरते हैं ना तो मेरा इसमें बहुत सही है, एटलीस्ट मेरा 1% भी, मेरे से अगर 10 बंदे भी 2 बंदे भी सुधर रहे ना तो भाई आप मेरे लिए नहीं सुधर रहे हो, आप अपने लिए सुधर रहे हो, आप सुधरोगे भाई, कल को आप आराम से चलाओगे, कल को लोग आप पे जो कमेंट करते हैं ना भाई ये देख बाप का पैसा उड़ा रहा, अपने बाइक दे दिया गलत यूज़ कर रहा, सो ये सब कमेंट आपको नहीं मिलेगा। सो आराम से बाइक चलाओ, स्टे सेफ राइड, स्टे होम ब्रो। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, देन मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर। ये कभी नहीं खुलेगा कुत्ता ये कभी नहीं खुल सकता, ये वाला जंक्शन वाला एरिया, वो जंक्शन नहीं है हमारा लोकल एरिया, यहाँ पे हमेशा फाटा गिरा रहता है, इतनी दफा मैं यहाँ पे जाता ना भाई उतनी दफा ये फाटा गिरा रहता है, मेरे को इतना लेट होता है, मेरे को लिटरली मेरे को इधर से इजी पड़ता है घर, बट मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके अपना घर को जाता, जब भी मेरा घर इधर से 200 मीटर पड़ता है, मैंने इधर 2 किलोमीटर जाता जब तक ये फाटक है, और ये फाटक भाई ऐसा वैसा फाटक नहीं है, यहाँ पे एक बारी का ट्रेन आ गया ना भाई 4 ट्रेन लगातार गुजरती है इधर से, कसम से खून खौलता है इस चीज़ को देखते हुए। तो भाई सरकार से अनुरोध है कि भाई इस फाटक को यहाँ से चलने दिया जाए, लेकिन एक बार में एक ट्रेन को दिया जाए। बट मेरे वीडियोस भी बहुत सीनियर लोग भी देखते हैं, तो लोग भी देखते हो और बूढ़े भी देखते हो और फैमिली वाले भी देखते हो नॉर्मल एज के भी, सो एटलीस्ट जो भी देखते हो भाई भाई आराम से बाइक चलाओ, अपने बच्चे को भी समझाए आपको आराम से चलाए। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, देन मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर, ब्लैक एंड बाइकर गाइज़।